हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक बार फिर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम दोबारा से जानेंगे कि हम हमारे डीजे सेटअप का कनेक्शन कैसे करें, यानी कि हम हमारे एम्पलीफायर का कनेक्शन कैसे करें मिक्सर के साथ में, वो भी क्रॉस ओवर के थ्रू। पहले हमने एक वीडियो बनाया था सेम ऐसा ही, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम हमारे एम्पलीफायर का या डीजे का कनेक्शन कैसे करें। उसके अंदर हमने सिंपली जाना था, बिना क्रॉसओवर के कनेक्शन करना सीखा था। आज हम इस वीडियो के अंदर सेम कनेक्शन करना सीखेंगे, वो भी क्रॉसओवर की मदद से, क्योंकि क्रॉसओवर काफ़ी ज़्यादा एक डिमांडेबल होता है, यानी कि एक क्रॉसओवर काफ़ी ज़्यादा वो एक आप अपने डीजे का एक पार्ट मान सकते हो, जिससे आपका डीजे का एकदम वॉल्यूम काफ़ी निखर के आएगा और काफ़ी ज़्यादा एक अपडेट आपको डीजे की वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। तो एक क्रॉसओवर की मदद से हम डीजे सेटअप कनेक्शन करना सीखेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। आगे तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो मिलते रहे। तो वीडियो की तरफ आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जब पहले हमने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बिना क्रॉसओवर के साथ में आप दो एम्पलीफायर को या तीन एम्पलीफायर को इस मिक्सर के साथ में कैसे कनेक्शन कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले इस YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने वीडियो डाल रखा है। तो मैं आपको इस कनेक्शन के अंदर, यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको कनेक्शन दिखाऊंगा क्रॉसओवर के साथ में, आप इस एम्पलीफायर को कैसे सेटअप कर सकते हो, वो भी दो टाइप के कनेक्शन के साथ में। तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये है हमारा टॉप एम्पलीफायर। जैसे कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आपको 4 ओम पे देता है 800 वाट। तो इसके एक चैनल पे इस एक टॉप को और दूसरे चैनल पे उस टॉप को दिया है एकदम आउटपुट मैच करके। और ये है हमारा बेस एम्पलीफायर NX Audio का MT-1601, जिसके एक चैनल पे दिया है एक डुअल बेस, जिसके अंदर 5-5 इंच वॉइस कॉल के दो स्पीकर है 18 इंच के अंदर। दूसरे के अंदर भी आपको 5-5 इंच वॉइस कॉल के दो बेस स्पीकर देखने को मिलते हैं, एक डुअल को इस एम्पलीफायर के एक चैनल पे और दूसरे डुअल बेस को इसके दूसरे चैनल पे दिया है। इस टाइप से हमने कनेक्शन किया है वायर के थ्रू, आप यहाँ पे देख सकते हो। और कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पे 4 कोर वायर यूज़ किया है। अगर आप इनका कनेक्शन देखना चाहते हो तो आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो, अगर वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं सीधा कनेक्शन के बारे में। तो पहला कनेक्शन है हमारा क्रॉसओवर के साथ में। इसके अंदर क्या है, आपको सिंपली स्टीरियो करना है कनेक्शन। तो इसके अंदर क्या है, आपको यहाँ पे मास्टर के अंदर से आउटपुट निकाल करके आपको यहाँ पे क्रॉसओवर के अंदर देना है। मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हमें पहले यहाँ पे दो वायर यानी कि दो पिने चाहिए जो इस क्रॉसओवर को इनपुट दे सके, फिर हम इसी के दोनों चैनल के माध्यम से इन एम्पलीफायर को इनपुट देंगे इसके आउटपुट के माध्यम से। तो पहले हमें क्रॉसओवर को इनपुट देना है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे ये दो वायर चाहिए, यानी कि XLR मेल टू RC वाली हमें पिने चाहिए। तो या फिर आप XLR मेल टू फीमेल भी ले सकते हो, डायरेक्ट मास्टर बैलेंस के लिए दे सकते हो, या तो आप इस टाइप की पिन लगा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मास्टर के अंदर आपने दे दिया और यहाँ पे आपने इसके अंदर इनपुट दे दिया इस टाइप से। या तो ये पिन आप यूज़ में कर सकते हो दोस्तों, और या फिर आप ये वाली यूज़ कर सकते हो मास्टर बैलेंस के अंदर। यहाँ पे दूसरी पिन ये हो गई दोस्तों, XLR मेल फीमेल। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इनपुट देना है क्रॉसओवर को मिक्सर से। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये कनेक्शन कर लिया है। इसके दूसरे जो मुंह है वो यहाँ पे मास्टर बैलेंस्ड के अंदर देना है। तो ये तो हो गया हमारा क्रॉसओवर के लिए कनेक्शन, यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे मिक्सर से क्या है, हमने क्रॉसओवर को इनपुट दे दिया है। अब हमें क्या करना है, इस क्रॉसओवर से इन दोनों ही एम्पलीफायर को कनेक्शन करना है। तो आपको बता दूँ दोस्तों, आपको अगर बेस एम्पलीफायर चलाना है तो उसके लिए हमें ये लो वाला आउटपुट सेक्शन काम में लेना है। अगर आप टॉप एम्पलीफायर यूज करते हो तो उस कंडीशन में अंदर आपको यहाँ पे मिड वाला सेक्शन काम में लेना है। अगर आपको बिल्कुल HF चलाते हो तो उसके लिए आपको ये हाई वाला आउटपुट सेक्शन काम के अंदर लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बेस एम्पलीफायर को कनेक्शन देते हैं। तो ये तो गया हमारा मिक्सर से क्रॉसओवर का इनपुट सेक्शन, यानी कि कनेक्शन आप देख सकते हो। और अब हम क्या करते हैं, इस क्रॉसओवर से इस बेस एम्पलीफायर को कनेक्शन करते हैं, आपको मैं बता दूं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बेस एम्पलीफायर को कनेक्शन करने के लिए दो XLR मेल फीमेल पिने ले ली है, तो हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, चैनल ए के लो में देना है इस पिन को, और दूसरी को भी चैनल बी के लो में देना है। तो इस टाइप से आपका स्टीरियो कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों।
दोनों चैनल के लो लो में हमने दे दिया है। और इसी टाइप से हमने चैनल ए से जो लिया है और इस एम टी के चैनल ए के अंदर देना है इस केबल को यहाँ पे, और दूसरी को चैनल बी में देना है। इसका कनेक्शन आपको मैं क्रॉसओवर के अंदर आगे बता दूं, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे अलग अलग स्टेरियो किया है चैनल ए से चैनल लो के ए वाले में, तो आपको यहाँ पे आगे की तरफ भी चैनल बेस के चैनल ए को चलाने के लिए क्रॉसओवर के चैनल ए का वॉल्यूम नॉब्स कम ज़्यादा करना पड़ेगा, और चैनल बी को चलाने के लिए यहाँ पे आपको चैनल बी का क्रॉसओवर का वॉल्यूम नॉब्स ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमने तो यहाँ पे क्रॉसओवर से बेस एम्पलीफायर को कनेक्ट कर लिया है दोनों रेड रेड केबल से। अब हम क्या करते हैं, मिड के ऑप्शन से टॉप एम्पलीफायर को कनेक्शन करते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमने यहाँ पे दो XLR मेल फीमेल पिने और ले ली है केबल्स। तो यहाँ पे कनेक्शन करते हैं दोस्तों स्टेरियो के अंदर। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉसओवर के अंदर चैनल ए के लिए यहाँ पे मिड के अंदर इनपुट करते हैं आउटपुट के वाले के, और इस टाइप से चैनल बी वाले के अंदर इनपुट करते हैं वायर को। तो इस टाइप से यहाँ पे तो हमने कर लिया है। अब इनके दूसरे छोर यानी कि दूसरे मुंह को क्या करना है, RX 3000 के यहाँ पे इनपुट करना है यहाँ पे चैनल बी के अंदर और यहाँ पे चैनल ए के अंदर। काफ़ी ज़्यादा सिंपल अगर आपको कनेक्शन समझ में आ जाए तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया है मिड से टॉप एम्पलीफायर को, आप देख सकते हो इनके कलर के थ्रू, और यहाँ पे आप देख सकते हो, और दोनों रेड रेड केबल से बेस एम्पलीफायर को कनेक्शन किया है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला कनेक्शन बेस एम्पलीफायर का एंड टॉप एम्पलीफायर का, और यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप मिक्सर से कंट्रोल करते हो तो आपको इस सारा क्रॉसओवर का वॉल्यूम नॉब्स के लिए अगर आप मिक्सर के अंदर कंट्रोल देखोगे तो मास्टर के ही वॉल्यूम के नॉब्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, बूथ आपका फ्री है। अब दूसरा कनेक्शन बाद में जानेंगे, अब हम इसकी टेस्टिंग सुन लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे एक लो के अंदर एक बेस एम्पलीफायर का यहाँ से एक चैनल यहाँ पे कंट्रोल होगा, दूसरा चैनल इस लो से कंट्रोल होगा क्योंकि हमने अलग अलग स्टेरियो के अंदर कनेक्शन किया है, और टॉप एम्पलीफायर का एक चैनल यहाँ से मिड से, दूसरा चैनल यहाँ से मिड से कंट्रोल होगा। यहाँ पे हमने टू वे के अंदर फुल रेंज कर रखा है क्रॉसओवर के अंदर, क्योंकि आपको टॉप को क्या है फुल रेंज पे चलाना है टू वे मोड पे, क्योंकि हम टू वे कनेक्शन कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपका जो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमने मास्टर बैलेंस्ड के अंदर इनपुट किया है यहाँ पे, तो आपको बूथ एकदम फ्री देखने को मिलेगा, इससे कोई आपका वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे हम ओनली मास्टर से ही कंट्रोल करेंगे, बेस या टॉप का अलग अलग वॉल्यूम अगर कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से हम करेंगे। तो यहाँ पे मास्टर को थोड़ा बहुत एकदम सही वॉल्यूम पे कर देते हैं, फिर स्लाइडर को बढ़ाएंगे बाद में, पहले सॉन्ग चला लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पहले आपको टॉप की टेस्टिंग करा देता हूँ। आपको कुछ अलग ही क्वालिटी देखने को मिल रही होगी क्रॉसओवर से चलने के कारण। दोस्तों आप अगर इस टाइप से कनेक्शन करते हो स्टीरियो के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, आपको अगर आप मिक्सर से कंट्रोल करते हो तो आपको यहाँ पे मास्टर से ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा वॉल्यूम नॉब्स। अगर आप बेस टॉप को अलग से करना चाहो तो आपको यहाँ क्रॉसओवर से करना पड़ेगा। अगर आप इसी कनेक्शन को यहाँ पे मास्टर से
और मुझसे कनेक्शन करना चाहते हो तो अब हम इसके लिए आगे कनेक्शन दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे एम्पलीफायर्स को ऑफ कर लेते हैं और अगले कनेक्शन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको उस टाइप से कनेक्शन करना है, यानी कि अगर आप क्रॉसओवर से तो कंट्रोल करते ही हो, यानी कि आपको बेस से तो बेस को अगर बेस एम्पलीफायर को कंट्रोल करना है तो लो से करना है और मिड से। अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पे मिक्सर से भी करना चाहते हो तो इसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है, क्रॉसओवर को अलग अलग करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे स्टीरियो होना चाहिए, चैनल बी के लिए अलग इनपुट और चैनल ए के लिए अलग इनपुट। बट आपका एम्पलीफायर है, जो भी एम्पलीफायर है वो आपका पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम चैनल एक के अंदर इनपुट देंगे दोनों एम्पलीफायर्स को। तो यहाँ पे आपको मैं कनेक्शन दिखा देता हूँ दोस्तों। इसके लिए क्या करना है, पहले आपको चैनल एक के अंदर इनपुट देना है। यहाँ से आप देख सकते हो चैनल एक के अंदर इनपुट दिया आपने इस क्रॉसओवर को। यहाँ पे आपको चैनल एक के अंदर इनपुट देके इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको लगाना है बूथ के अंदर, बूथ आउटपुट के अंदर लगाना है इसको दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपने बूथ में लगा लिया। और दूसरा है उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको दूसरे बी के अंदर लेकर के, चैनल बी के अंदर लेने के बाद में यहाँ पे आपको इसको अंदर लेना है मास्टर के अंदर। तो या तो आप इसको एक्सएलआर मेल फीमेल के साथ में आप कनेक्शन करके यहाँ पे मास्टर बैलेंस्ड के अंदर आप कनेक्शन कर सकते हो, या फिर मास्टर के अंदर। तो यहाँ पे हमने मास्टर के अंदर कनेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे कि हमने कनेक्शन किया है क्रॉसओवर के चैनल ए को, क्रॉसओवर चैनल ए को हमने यहाँ पे इनपुट दिया है मिक्सर के बूथ आउटपुट से। आप यहाँ पे देख सकते हो बूथ आउटपुट से हमने कनेक्शन किया है रेड वाले केबल को। और मास्टर पे हमने कनेक्शन किया है इस क्रॉसओवर के चैनल बी से। यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल बी से। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे अगर बूथ से कंट्रोल करना है, मिक्सर के बूथ से अगर कंट्रोल करना है बेस को, तो यहाँ पे इस रेड वाले को दिया है हमने ए पे। तो इस पे क्या करना है, आपको देना है चैनल ए के लो में बेस को और चैनल बी के मिड में देना है आपको टॉप एम्पलीफायर को। तो मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप टॉप के लिए यूज करिए चैनल ए का लो क्रॉसओवर का, और इसको आप कीजिए यहाँ पे एम्पलीफायर पे चैनल ए के लो में। और एम्पलीफायर आपका पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होना जरूरी है। और फिर हम दे देते हैं यहाँ पे टॉप एम्पलीफायर को भी यहाँ से आउटपुट। तो आप दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मिक्सर के अंदर मास्टर के अंदर तो दिया है हमने यहाँ पे क्रॉसओवर का चैनल बी, यहाँ पे ब्लैक वायर है आप देख लीजिए, ब्लैक केबल है। मास्टर के अंदर दिया है चैनल बी क्रॉसओवर का, और मास्टर के अंदर इधर हमने चैनल बी में दिया है मिड के अंदर इस ब्लैक केबल के थ्रू यहाँ पे टॉप एम्पलीफायर को, और बूथ के अंदर हमने यहाँ पे दिया है इस रेड केबल को जो जा रहा है यहाँ पे क्रॉसओवर के चैनल ए में, और चैनल ए के अंदर हमने दिया है यहाँ पे लो से इस बेस एम्पलीफायर को। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पे आगे की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता है इस कनेक्शन के लिए आपको दोनों एम्पलीफायर को पैरेलल कनेक्शन करना पड़ा है, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे क्रॉसओवर चैनल ए के अंदर आपको इसके अंदर इनपुट मिला है इसके बूथ के माध्यम से, मिक्सर के बूथ के माध्यम से, और मास्टर को यहाँ से आउटपुट के माध्यम से इस क्रॉसओवर को चैनल बी को इनपुट मिला है और मिड को। तो मैं आपको एक बार टेस्टिंग सुना देता हूँ यहाँ पे। तो एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं टॉप एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मास्टर को भी थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं, बूथ को भी बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लो को कर रहा है हाफ, मिड पे हमने दे नहीं रखा क्योंकि इसके इस क्रॉसओवर वाले इस चैनल पे हमने बेस को ही दिया है, और यहाँ पे बेस नहीं, हमने यहाँ पे टॉप ही दिया है पैरेलल एम्पलीफायर को कनेक्शन करके। और अब हम सॉन्ग प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आप टॉप की टेस्टिंग सुन सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे आपका टॉप वाला एम्पलीफायर ऑन हो चुका है।
से आपको चेक करा देता हूँ बुद्ध के माध्यम से। दोस्तों आपको इस टाइप से कनेक्शन समझ में आ गया होगा, आप दोनों ही टाइप से कनेक्शन कर सकते हो। अगर जैसे कि मैंने आपको पहले वाला कनेक्शन बताया, अगर आप उस टाइप से कनेक्शन करते हो तो आप अगर मिक्सर से कंट्रोल करते हो तो आपका बेस एम्पलीफायर एंड टॉप एम्पलीफायर इस मास्टर से कंट्रोल होगा ओनली। अगर आप बेस को और टॉप एम्पलीफायर को अलग अलग कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ लो मिड से अलग अलग कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप इसको छेड़ना नहीं चाहते हो, अगर आपसे क्रॉसओवर दूर पड़ा हुआ है, इसका अगर आपको वॉल्यूम फिक्स करके अगर मिक्सर से छेड़ना है तो अभी जस्ट मैंने जो आपको कनेक्शन बताया दूसरा वाला, तो उस टाइप से आप कनेक्शन कर सकते हो जिससे आपका टॉप का वॉल्यूम कंट्रोल मास्टर पे आ जाएगा और बेस एम्पलीफायर का बुथ पे। तो इस टाइप से आप कनेक्शन कर सकते हो और काफ़ी इजी कनेक्शन है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। तो आई होप आपके लिए जो मैंने आपकी मेहनत करके वीडियो बनाया है तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने आप इसी का धन्यवाद दोस्तों।